गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आपके कोर्स जीपीबी 121 का नेक्स्ट लेक्चर है अपने मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी अनुवांशिकता के मेंडेलियन क्या सिद्धांत थे वो आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में अपने पोस्ट मेंडेलियन और प्री मेंडेलियन कंसेप्ट देखी थी हेरिडिटी की। हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता या वंशानुगति, लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की जो प्रोसेस होती है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। प्री मेंडेलियम में अलग अलग अपने थ्योरियाँ पढ़ी थी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेंसिस, थ्योरी ऑफ एनजीन्स, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स की, तो अलग अलग सिद्धांत प्रचलित थे, हमने उनके बारे में पढ़ा। पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट अलग अलग मल्टीपल एलील्स हो गया, अपने स्यूडो एलील्स वगैरह हो गए, तो उनके अपने पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट भी पढ़ी थी। तो आज अपने मेंडेलियन जो प्रिंसिपल है हेरिडिटी के उनके बारे में देखते हैं। मेंडल से कौन कौन से सिद्धांत थे हेरिडिटी के, क्या उनका जीवन परिचय रहा, क्या कुछ विशेषताएँ रही, वो अपने आज इस लेक्चर में देखते हैं। पहले अपने देखते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल, इनका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ये एक ऑस्ट्रियाई पादरी थे, मॉन्क, इंग्लिश में पादरी को मॉन्क बोलते हैं, जिन्होंने अपने बगीचे में, यानी कि जो गार्डन पी होती है, जो अपने उसी चर्च के पास में गार्डन में ये अपने एक्सपेरिमेंट किए थे मटर पर, और इन्हें अनुवांशिक का जो अध्ययन है उसकी नींव बन गए, यानी कि जो अनुवांशिकता है उसके फादर जो है वो मेंडल्स को ही माना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। अब हम इनका थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं। अनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जोहान मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में मोराविया देश के एक साधारण कृषि परिवार में हुआ था, यानी कि एक एग्रीकल्चर फैमिली से ये बिलोंग करते थे, जो फिलहाल कौन से में, अब चेकोस्लोवाकिया जो अपने देश है उसमें ये अभी उपस्थित है, जो मोराविया है। मेंडल ने अपने जो अपने रिसर्च पेपर थे, जो अपना रिजल्ट था, जो अपने उन्होंने हार्डवर्क किया था गार्डन पेपर, उन्होंने अपने दो पेपर्स में उनको उन्होंने लिख के जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, ब्रुन की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी उसके सामने उनकी मीटिंग में उन्होंने ये अपने दो पेपर्स रखे, एक 8 मार्च को और एक 8 फरवरी को 1865 में। तो इनके पेपर तो वो किस नाम से पब्लिश हुए, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट, जो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुए, ये भी इनकी कमी रही, क्योंकि जर्मन जो लैंग्वेज होती है वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए थी, अगर इंग्लिश वगैरह में पब्लिश होते तो बहुत अलग अलग देशों तक पहुंचते उनके पेपर्स। इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की एनुअल प्रोसीडिंग होती है, 1866 में इनके पेपर्स पब्लिश हुए थे। तो पेपर्स पब्लिश होने के जो लगभग 34 साल बाद में इनके जो तीन साइंटिस्ट अलग अलग थे, ह्यूगो डी ब्रिज, वॉन शेरमार्क और कार्ल कोरेंस, उन्होंने रीडिस्कवर किए इनके नियम को, पुनः खोज की, और तब जाकर इनके नियमों को पता चला भी ऐसे कुछ नियम भी होते हैं, तब जाकर जेनेटिक्स चर्चा में आई। तो असल में जन्म जेनेटिक्स का 1900 में ही माना जाता है, जब उन्होंने इनके नियमों को पुनः खोज की थी। और मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हुई थी, 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु के 16 साल के बाद में ही उनके पेपर्स जो थे, उनका एक्सपेरिमेंट था, उनकी पुनः खोज हुई थी उन तीन वैज्ञानिकों के द्वारा। अब अपने देखते हैं मेंडल्स ने जो करेक्टर्स लिए थे अपने स्टडी में, कौन कौन से करेक्टर्स, यानी कि जो फिलहाल अपने जिसको अपने जीन के रूप में जानते हैं, यानी कि जीन होते हैं जो क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उनको मेंडल ने करेक्टर्स नाम दिया था। मेंडल्स जीन वगैरह के बारे में अवेयर नहीं था, तो उनको मेंडल्स ने क्या नाम दिया, करेक्टर्स दिया था, यानी कि लक्षण। तो मेंडल ने 7 जो अपने करेक्टर्स लिए थे, फ्लावर कलर, प्लांट हाइट यानी कि जो पौधे की लंबाई, फ्लावर कलर यानी कि जो फ्लावर या फूल का रंग हो गया, सीड कलर, सीड शेप, सीड की आकृति, पोड कलर, फली की जो कलर है, पोड शेप, पोड की जो शेप है, आकृति, फ्लोर पोजीशन यानी फ्लोर की जो पोजीशन है। तो उन्होंने 7 प्रकार के जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे वो लिए, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। फ्लोवर कलर में पर्पल कलर है, बैंगनी कलर वो क्या है, व्हाइट कलर पर प्रभावी है। प्रभावी का मतलब है भी जो लक्षण जब दो किसी अलील साथ में आते हैं तो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जो खुद को मतलब शो करते हैं वो प्रभावी होता है, जो दूसरे के असर को दबा लेता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। जो खुद के असर, जिस दूसरे जीन की उपस्थिति में खुद का असर जिसका दब जाता है या खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, वो अप्रभावी जीन होता है। यानी कि जब ये इसके दोनों अलील एक साथ उपस्थित होंगे तो ये खुद को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये खुद को दिखाएगा। तो पर्पल कलर अपने को देखने में मिलेगा फन में, तो क्या हो गया, ये प्रभावी मतलब ट्रेट हो गया। प्लांट हाइट में टाल यानी कि लंबापन और बोनापन, लंबापन जिसमें क्या था, प्रभावी लक्षण था। सीड कलर में येलो पीलापन है वो प्रभावी कलर था। सीड शेप में राउंड शेप है वो प्रभावी कलर था।
पोर्ट कलर में ग्रीन ग्रीन कलर की जो पोर्ट थी वो प्रभावी था, और येलो कलर की जो पोर्ट थी वो अप्रभावी लक्षण थे। इनफ्लेटेड यानी जो फुल वरीयस जो पोर्ट शेप है वो प्रभावी लक्षण था। कॉन्स्ट्रिक्ट यानी इस प्रकार जो पिचकी हुई जो शेप है वो अप्रभावी लक्षण था। फ्लोर पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन जो होती है वो क्या थी, प्रभावी थी। जो टर्मिनल जो सिरे पर जो फ्लोर लगता है वो क्या थी, अप्रभावी लक्षण था। तो ये 7 लक्षण थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिन्होंने स्टडी की थी इसके बारे में। अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो आपके सामने बार बार आपने को देखने में मिलेगी ये वर्ड्स, तो इसको अपने ढंग से समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। पहला है जीन। जीन का मतलब है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यूजुअली ऑकरिंग एट ए स्पेसिफिक लोकेशंस और लोकाई, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, ये कोई होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसकी जो स्पेसिफिक लोकाई है सेम लोकाई, यानी कि इस क्रोमोजोम की और इस क्रोमोजोम की दोनों की सेम लोकाई पर जो अपने उपस्थित होते हैं उसको जीन बोलते हैं। ये अपने कोई जीन फर्स्ट हो गया, ये इसके दो डिफरेंट एलील हो गए, ये एलील हो गया, इसके दो अलग अलग एलील हो गए। तो ये क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, अपने इसको क्या बोल सकते हैं, डीएनए बेसिस, यानी कि जो अपने डीएनए होता है, इसे आपने देखा होगा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देखा होगा, इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर होते हैं। तो ये स्पेसिफिक बेस यहाँ तक अगर अपने इसको ले लें तो ये क्या एक स्पेसिफिक जीन हो गया, ये स्पेसिफिक जीन हो गया, यहाँ तक जो बेस पेयर का अपने इसमें ले लेते हैं तो ये स्पेसिफिक जीन हो गया। ये स्पेसिफिक जीन किसी स्पेसिफिक अमीनो अम्ल जो प्रोड्यूस करेगा और वो उसको आगे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। इस प्रकार ये जीन वर्किंग करते हैं। लोकेशन और लोकाई उन्हें क्रोमोजोम, यानी क्रोमोजोम की ये जो एक जो स्थित अपने स्पेसिफिक लोकेशन होगी इसको लोकाई बोलते हैं, जहाँ पर ये जीन उपस्थित होता है। फिजिकली ये जीन इज ए सिक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस, यानी कि डीएनए जो बेसिस है उनका सिक्वेंस होता है उसको अपने जीन बोलते हैं। देट स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन, प्रोटीन किन के बने होते हैं, अमीनो एसिड के बनते होते हैं, तो ये अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोटीन बनना है, आगे कौन सी प्रक्रिया है जाइमेटिक होनी है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी ट्रेड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जानवरों और जो पेड़ों में जो हेरिडिटरी यानी कि लक्षणों की जो वंशानुगति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन ही है वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को पहुँचाते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है एलील। एलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन डेट ओकर एट सेम लोकस ऑन ए होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म इज सेम जो होमोलोगस क्रोमोजोम की सेम लोकस पर जो उपस्थित है वो उसकी क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये टी हो गया और ये यहाँ पर हो गया, तो ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई, ये इसका क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। अगला है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील का मतलब है एन एलील डेट मास्क द प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव एलील इन द फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो अपने बाहर से दिखाई देते हैं उसको अपने फिनोटाइप बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेबल लक्षण होते हैं जिसको अपने आसानी से आंखों से देख सकते हैं, जिस पौधे की लंबाई हो गई, उसके कलर वगैरह हो गई, सब क्या उसके फिनोटाइप है। तो जो एलील प्रेजेंस, मास्क का अर्थ होता है किसी को दबाना या उसको शो नहीं होने देना। एन एलील मास्क द प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव एलील, अप्रभावी जो एलील होता है उसके प्रेजेंस को दबा लेता है जो एलील, वो क्या होता है, प्रभावी एलील होता है, डोमिनेंट एलील होता है। डोमिनेंट एलील फॉर ए ट्रेट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इफ एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस, यानी कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों अपने स्टेज में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। होमोजाइगस का मतलब है जैसे ये स्टेज है दोनों सेम एलील कैरी कर रहा है कोई इंडिविजुअल तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। हेट्रोजाइगस मतलब दो डिफर एलील है, अलग अलग एलील है, जैसे ये इसके अलग एलील हो गया, ये बोनेपन के लिए, ये लंबेपन के लिए, इसमें भी ये खुद को एक्सप्रेस करेगा और इसमें भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपने खुद को ये एक्सप्रेस करता है, शो करता है। दूसरा है रिसेसिव एलील। एन एलील दैट इज मास्क्ड बाय इन द फिनोटाइप बाय द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील, जो डोमिनेंट एलील की वजह से खुद का एक्सप्रेशन दबा लेता है, जिसको खुद को शो नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, रिसेसिव एलील कहलाता है। जिस प्रकार ये एलील है तो ये इसकी उपस्थिति में खुद को शो नहीं कर पाएगा तो ये क्या है, रिसेसिव एलील कहलाएगा। रिसेसिव एलील आर एक्सप्रेस इन द फेनोटाइप व्हेन द जीनोटाइप इज होमोजाइगस रिसेसिव, अगर होमोजाइगस रिसेसिव अगर स्टेज है तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे ये कोई एलील है तो इसी स्टेज में ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये नहीं है कि इसके साथ में डोमिनेंट एलील उपस्थित हो तो ये खुद को एक्सप्रेस कर दे। अगला है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस।
होमोजाइगस का मतलब है हैविंग द सेम एलील एट द सेम लोकस ऑन द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। आपको बताया था जैसे ये कोई होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये कोई जीन है इसके, जैसे यहाँ पर ये दोनों सेम एलील है तो क्या है होमोजाइगस है। अगर इसकी जगह अपने दूसरा एलील उपस्थित है ये क्या है हेटरोजाइगस एलील कहलाएगा। होमोजेगस ऑल्सो रेफर टू ए जीनोटाइप कंजिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट, यानी कि दो आइडेंटिकल जो कॉपी होती है एक दूसरे से बिल्कुल सेम, उसको अपने होमोलोगस जीनोटाइप बोल सकते हैं उसको। इंडिविजुअल हु आर होमोजेगस फॉर ए ट्रेट आर रेफर्ड एज होमोजाइगोट्स। जो होमोजाइगोट्स इंडिविजुअल हु कोई सी लक्षण के लिए जो होमोजेगस है तो उसको अपने होमोजाइगेट्स बोलते हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब पता लग गया, जीनोटाइप कंजिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट एलील ऑफ जीन, यानी कि जो अलग अलग एलील कैरी करते हों किसी जीन के तो उसको अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं उसको। अब अपने देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है। किसी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप होता है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है, यानी कि उसमें जो जितने भी जीन वगैरह उपस्थित हैं उसके तो उसका जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप रेफर टू इंडिविजुअल्स जेनेटिक पोटेंशियल, उसका जेनेटिक पोटेंशियल है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। व्हाट काइंड द जीन ही कैरीज, मतलब किस प्रकार के जीन वो कैरी करता है, किस प्रकार के जीन उसमें उपस्थित है वो उसका जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप ग्रीक वर्ड फिनो से लिया गया है जिसका मतलब शो, खुद को शो करना। रेफरेंस टू अ ट्रेट एंड इंडिविजुअल एक्चुअली शो, जो अपने फिनोटाइप वगैरह मतलब जो करेक्टर्स वो शो करता है असलियत में। जनरली जीनोटाइप क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ में जो विक्रिया करता है, इंटरेक्शन होकर जो अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं उसका फिनोटाइप है कहलाता है, या उसका जो अपीरियंस होता है वो उसका फिनोटाइप है कहलाता है। तो ये दोनों वर्ड जॉनसन ने दिए थे। हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग दैट आर द रिजल्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट्स। हाइब्रिड किसे बोलते हैं, संकर जिसको हिंदी में बोलते हैं, टू जेनेटिकली डिसिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट बोल सकते हो, डिसिमिलर मतलब जेनेटिकली जिनका अलग अलग, जैसे ये कोई पेरेंट फर्स्ट हो गया और ये पेरेंट आपका सेकंड हो गया, ये क्या है जेनेटिकली डिसिमिलर है। जैसे कोई एक लक्षण है आपका जो प्लांट हाइट है ये लक्षण एक ले लिया तो इसके लिए दो अलग अलग है अपने ये इसके हो गए जीन्स, तो ये जेनेटिकली डिसिमिलर है तो अपने जो इसका अपन प्राप्त होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा, संकर होगा, यानी कि ये दोनों अलग अलग प्रकार के जीन कैरी कर रहा है और अलग अलग अपने को जीन कॉम्बिनेशन अगली पीढ़ी में देखने को मिलेंगे तो इसको अपने हाइब्रिड बोलते हैं। एफ वन जनरेशन इज द फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग और फीलियल जनरेशन, यानी कि जो इसमें एफ वन एफ थ्री एफ टू जो वर्ड यूज होंगे उसका मतलब क्या होता है, जो एफ वन जनरेशन होता है जैसे अपने ये पेरेंट्स है इनका अपने क्रॉस कराया अपने को एफ वन ये प्राप्त हुई, मैंने पहली पीढ़ी में सभी पौधे अपने को इस प्रकार होते, जैसे ये लंबा और ये बोनापन है तो सभी पौधे अपने को जैसे लंबे प्राप्त हुए तो ये एफ वन पीढ़ी होगी, फीलियल जनरेशन फर्स्ट होगी, उसमें सभी पौधे अपने को लंबे प्राप्त हुए। अगर आप इनका सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो अपने को नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त होगी तो उसको अपने एफ टू जनरेशन बोलेंगे। अगला है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग ओनली वन ट्रेट्स और इन विच ओनली वन ट्रेट इज बीइंग कंसिडर्ड, जैसे प्लांट हाइट है अपने इसी को अकेले को लेकर चल रहे हैं तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेगा। अगर अपने दो करेक्टर्स ले लें जैसे अपने सीड शेप एंड कलर, कोई सीड है उसकी शेप और कलर ये दोनों करेक्टर्स अपने एक साथ स्टडी करें, सीड शेप को अपने ये जीन कंट्रोल कर रहा है और कलर को अपने ये जीन कंट्रोल कर रहा है, तो ये दो करेक्टर्स अपने एक साथ स्टडी करें तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अगर अपने सीड शेप अकेले को लेकर चलते तो अपने ये क्या कहलाता, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता। अब अपने नियम देखते हैं, मेंडल्स ने दो नियम दिए, जनरली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलगाव का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके अलावा एक लॉ और भी इसका प्रचलित है, इसे बोलते हैं डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम। जो लक्षण खुद को मतलब अफन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रभाविता का नियम बोलते हैं। जनरली वैसे मेंडल ने दो नियम थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अपने पहला नियम देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलगाव का नियम, पहले देख लेते हैं सेग्रीगेशन होता है क्या। सेग्रीगेशन का मतलब अलगाव, जैसे कोई दो करेक्टर्स हैं उनके दो लील्स हो गए वो एक साथ पहुंचते हैं फिर उनमें अलगाव होता है, वो अलग अलग स्थितियों में उनकी जो प्रोजनी होती है उनमें पहुंचते हैं तो इसको अपने सेग्रीगेशन बोलते हैं। व्हेन ए डोमिनेंट एंड ए रिसेसिव एलील ऑफ ए जीन कम टुगेदर इन ए हाइब्रिड आफ्टर क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स।
दो ऑपरेंट्स हैं, ये इनके अपने दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स ले लिए, कोई लक्षण है प्लांट आई टी उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स अपने ले लिए, लंबापन और बोनापन। तो दो जो अपने पेरेंट्स हैं उनके दो लक्षण हैं। अब इनमें अपने हाइब्रिड तैयार होगा, इनका जो अपने हाइब्रिड तैयार होगा, हम इसको समझ लेते हैं अलग से। दो अपने पेरेंट्स ले लिए, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लंबापन और बोनापन, जैसे कोई एक लक्षण है जिसको अपने बोलते हैं प्लांट हाइट, उसको कंट्रोल करने वाले जो जीन है उसके दो अपने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हो गए इसके। तो अपने जो FN होगा वो हाइब्रिड है, जैसे इनका जो हाइब्रिड है तो इसमें रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों एलील उपस्थित है, रिसेसिव एलील भी उपस्थित है, रिसेसिव एलील भी यहाँ प्रेजेंट है और डोमिनेंट एलील भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसके हाइब्रिड में दोनों एलील अपने एक साथ प्रेजेंट है। When a dominant and recessive allele of gene come together in a hybrid after crossing between two plant having contrasting character, they do not mix or blend together. अब ये दोनों एक साथ पहुँच गए तो ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, ना इसे एक दूसरे में मिलेंगे आपस में। जब इनका एग्रीगेशन होगा अपने, जब इनमें सेल्फिंग करवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में ये खुद को प्योर फॉर्म में ही शो करेंगे। तो इसलिए इसको नियम प्योरिटी का भी नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ लव प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स में मतलब इनकी प्योरिटी बनी रहती है, एक दूसरे को बिल्कुल भी एक दूसरे का मतलब चेंज नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को, और अपने जो जो क्लियर फॉर्म है उसी में ही बने रहते हैं, जो शुद्ध फॉर्म है उसी में ही ये अपने बने रहते हैं। दे रिमेन टुगेदर इन प्योर फॉर्म विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को प्रभावित की नहीं, वो खुद प्योर फॉर्म में एक साथ बने रहते हैं। फॉर दिस रीजन लॉ ऑफ एग्रीगेशन इज ऑल्सो नाउन इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स की शुद्धता का नियम भी इसको बोलते हैं अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। दे सेपरेट इनटू डिफरेंट गेमेट्स इन इक्वल नंबर, ईच गेमेट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एलील। जो अपने जो गेमेट्स होता है, जो गेमेट्स बनते हैं, जैसे ये अपने हैं तो इसके जो ये गेमेट्स हो गए तो इसमें एक ही प्रकार का एलील होगा और इसमें भी एक ही प्रकार का एलील होगा, इक्वल नंबर ऑफ एलील दोनों में प्रेजेंट होंगे गेमेट्स में। सेपरेशन ऑफ टू एलील्स ऑफ ए जीन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यूजली ड्यू टू सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग म्यूसिस। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है एनएफएस फर्स्ट स्टेज में उनका, तो उनके जो होमोलोगस क्रोमोजोम होता है उनका सेपरेशन होता है, सेपरेशन होने की वजह से अलग अलग पोल की ओर जाते हैं और फिर सेल डिवीजन के बाद में दो अलग अलग सेल्स बनती है। तो इसी वजह से इनका जो अपने एलील होते हैं उनका सेपरेशन होता है दो एलील का। अब अपने इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली, जैसे ये राउंड और रिंकल्ड, ये कोई एक करेक्टर्स लिया है अपने प्लांट का, जो अपने सीड है शेप को कंट्रोल कर रहा है, गोल और झुरीदार, इसके दो अपने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हो गए। अब इसमें देखते हैं इसके जो गेमेट्स बन रहे हैं, ये इसके गेमेट्स बनते हैं, गेमेट्स में इसका ओनली वन एलील ही प्रेजेंट है। इसके बाद जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, तो उसमें सभी सीड अपने को क्या प्राप्त होंगे, राउंड सीड। हालांकि उसका जेनेटिक जो अपने मेकअप है वो उसका इस प्रकार है, इसमें ए प्रभावी एलील भी इसमें उपस्थित है, लेकिन राउंड जो है, जो बड़ा है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए सभी सीड्स क्या होंगे, राउंड होंगे। अभी इसके बाद में अपने इसमें सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, तो अपने को नेक्स्ट जनरेशन में जैसे F2 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन थी, ये F2 जनरेशन में पहुँचते हैं तो अपने को तीन सीड क्या प्राप्त होते हैं, राउंड, और एक सीड झुरीदार प्राप्त होता है। तो रिसेसिव एलील खुद को कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो कम्प्लीटली होमोजाइगस स्टेज में पहुंचेगा, कम्प्लीटली होमोजाइगस स्टेज में बिल्कुल दोनों कंप्लीट मतलब होमोजाइगस स्टेज होगी तभी वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन डोमिनेंट एलील क्या है, वो हेटरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करेगा और होमोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। ये इसकी होमोजाइगस कंडीशन इसमें भी ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये इसकी हेटरोजाइगस कंडीशन इसमें भी ये इसको खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो तीन अपने को राउंड सीड प्राप्त होंगे और एक रिंकल सीड, यानी कि एक सीड झुरीदार प्राप्त होगा। तो ये इसका पैटर्न था, जो अपने करेक्टर्स है उसका इनहेरिटेंस होने का पैटर्न इस प्रकार होता है। अब अपने देखते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंड असॉर्टमेंट, स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले इस नियम को आपको ढंग से समझा देते हैं, ये नियम होता क्या है। ये जनरली डाई हाइब्रिड जो अपने क्रॉस कराते हैं उस पर है, मतलब दो करेक्टर्स के पर अपने इसमें स्टडी करते हैं। जैसे अपने कोई दो करेक्टर्स है,
ये अपने दो करेक्टर्स ले लिए, सीड शेप है और सीड कलर, बीज की आकृति और बीज का रंग, ये दो अपने इसमें करेक्टर्स लेते हैं। तो ये जो करेक्टर्स अपने लिए हैं, इनके जो अपने जो जीन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, एलील मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े नहीं होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता इसमें भी जो अपने गोल शेप है वो जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसमें साथ में उसका पीला रंग ही जाएगा, ये ज़रूरी नहीं होता इसका पीला रंग ही जाएगा, वो खुद ही इस मतलब खुद का अपना कंट्रोल करते है, दूसरे से उसका कोई लिंक नहीं होता है वो। अब जैसे अपने ले लेते हैं इसमें, ये हो गए अपने गोल और पीले, ये अपने झुर्रीदार और हरे। तो अपनी जैसे अब इनका सेग्रीगेशन होगा, जो अलील है उनका सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग जो अपने गैमेट्स में पहुंचेंगे उसके बाद में उनका कॉम्बिनेशन वापस होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है वो ये गोल जो कलर है इसको कंट्रोल करने वाले जो अलील है उसके साथ में हो सकता है हरा कलर भी चला जाए, हो सकता है पीला कलर भी जाए, ये ज़रूरी नहीं उसके साथ में पीला कलर ही हो। तो ये इनका इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये इस पर कोई फ्री होते हैं बिल्कुल, रेंडम होते हैं, रेंडम जुड़ते हैं, यादृच्छिक रूप से ये जुड़ते हैं, वो फिक्स नहीं होता कि इसके साथ में पीला ही जाए या झुर्रीदार के साथ में हरा रंग ही जाए। दिस लॉ एक्सप्लेन सिमिल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ टू प्लांट करेक्टर्स, दो लक्षणों की वंशानुगति इस नियम में अपने को एक्सप्लेन करता है ये। वेन एफ एंड टू जीन्स कंट्रोलिंग टू डिफरेंट करेक्टर्स कैम टुगेदर, ई जीन एग्जिबिट इंडिपेंडेंट डोमिनेंट बिहेवियर विदाउट अफेक्टिंग और मॉडिफाइंग द इफेक्ट ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन के असर को बिना प्रभावित किए पहला जीन जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस इसमें करता है। इस नियम का मेन जो मतलब होता है वो यही है, दिस जीन पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली, जो जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है जैसे अपने पेरेंट्स में अपने, तो इनके गेमेट फॉर्मेशन होगा तो इस प्रकार ये गेमेट्स बनेंगे, इसमें से एक एलील ये पहुंचेगा और एक एलील ये पहुंचेगा। तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसके साथ में जरूरी नहीं है पीला कलर ही जाएगा, अगर नेक्स्ट जनरेशन में इसके साथ में पीला कलर ही जुड़ेगा, ये जीन आगे जाकर किसी से भी, ये एलील किसी से भी दूसरे हरे रंग से भी जुड़ सकता है। द एलील ऑफ वन जीन कैन फ्रीली कंबाइन विद द एलील ऑफ अनदर जीन, यानी कि दूसरे जीन जो है उसके जैसे जो झुर्रीदार हरा रंग है कंट्रोल करा है उसके साथ में भी ये फ्रीली आराम से जुड़ सकता है, इस पर बाउंडेशन नहीं है कि ये पीले रंग के साथ ही जुड़े। दस ईच एलील ऑफ वन जीन हैज एन इक्वल चांस टू कंबाइन विद ईच एलील ऑफ अनदर जीन, मतलब बरोबर के चांस होता है दूसरे जीन के साथ भी जुड़ने का और पहले जीन के साथ में भी जुड़ने का। ईच ऑफ द टू जीन पेयर व्हेन कंसिडर्ड सेपरेटली एग्जिबिट टिपिकल 3:1 सेग्रीगेशन रेशियो इन एफ टू जनरेशन, दिस इज ए टिपिकल मोनो हाइब्रिड सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड सेग्रीगेशन में 3:1 अपने को रेशो देखने को मिलता है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें अपने को 9:3:1 रेशो देखने को मिलता है, जो फिनोटिपिकली जो अपीयरेंस होता है वो अपने को देखने को मिलता है। रैंडम ऑफ फ्री असॉर्टमेंट ऑफ एलील ऑफ टू जीन्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन, जो रैंडम और फ्री है, रैंडम का मतलब होता है अपने कोई भी चीज़ उठाते हैं रैंडमली उठाते हैं तो उसका मतलब है बिना देखे बिना पक्षपात के अपने कोई चीज़ उठा ली, जैसे आपके सामने बहुत सारी बुक्स रख दी जाए आप आँख खींच कर कोई एक बुक उठा लें आँख बंद करके तो क्या आपका रैंडम सिलेक्शन हो गया। तो इसी प्रकार जो रैंडम जीन का जुड़ना होता है वो नए जीन कॉम्बिनेशन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए अपने को जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें अपने को वेरिएशन देखने को मिलता है इसी रैंडम और फ्री असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स, जो रैंडम और फ्री असॉर्टमेंट एलील है उसकी वजह से अपने को नए जीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे और वेरिएशन देखने को मिलता है। अब अपने देखते हैं जैसे राउंड और येल्लो, रिंकल्ड और ग्रीन, तो ये अपने दो पेरेंट्स लेते हैं इसमें, ये इसके गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, तो गैमेट्स में यहाँ पर इसका एक एलील और इसका एक एलील पहुँच रहा है, और जो एफ एन जनरेशन है सभी सीड क्या होंगे, राउंड और येलो सीड होंगे, क्योंकि राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंट है एलील है, दूसरे जो एलील है उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं। अब जैसे अपने इनका सेल्फिंग करवाएंगे तो नेक्स्ट जो अपने को एफ टू पी डी प्राप्त होगी उसमें नए नए जीन कॉम्बिनेशन अपने को देखने मिलेंगे, जैसे अपने ये अलग अलग गैमेट्स बन रहे हैं, ये राउंड यहाँ पर येलो के साथ में जा रहा है और ये राउंड जो शेप है यहाँ पर हरे रंग के साथ भी जा रहा है, और ये जो झुर्रीदार है वो येलो के साथ में जा रहा है और झुर्रीदार है वो हरे के साथ में जा रहा है। तो जो जितने नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे 9 सीड अपने को येलो राउंड मिल रहे हैं,
तो ये अपने था पेरेंटल था, पेरेंट भी अपने पास येलो राउंड थे और अपने ग्रीन और रिंकल्ड बी पेरेंट था, लेकिन ये दो बीच में दो नए कॉम्बिनेशन मिले हैं, तीन येलो और रिंकल्ड, तीन ग्रीन और राउंड, तो ये दो नए जीन कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिले हैं। ये किस वजह से मिले, क्योंकि जीन्स जो होते हैं, जो एलील होते हैं, उनका फ्री असॉर्टमेंट होता है, फ्री उनका जुड़ाव होता है, वो किसी तरह से किसी पर निर्भर नहीं होते दूसरे एलील पर, तो अपने को दो नए कॉम्बिनेशन देखने को मिले सिर्फ फ्री असॉर्टमेंट की वजह से अपने को देखने को मिले। येलो और रिंकल था ये नया है, ग्रीन और राउंड ये भी नया है, जीन कॉम्बिनेशन है। तो ये थे मेंडल के जनरल दो नियम थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने जो मेंडल की मेन सफलता का राज क्या था, क्योंकि उन्होंने मटर के प्लांट को ही चुना, मटर का प्लांट एक सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट होता है, उसमें करेक्टर्स जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आसानी से अपने को विजिबल हो जाते हैं, जैसे गोल हो गया, जूरीदार हो गया, तो आसानी से अपने को इनको अपने विजिबल देख सकते हैं, इनको डिफरेंट कर सकते हैं। इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है और इसमें जो अपने क्रॉस पोलिनेशन करवाना चाहें वो भी आसान होता है, क्योंकि फ्लोर स्ट्रक्चर इसकी बहुत शानदार होती है, तो अपने क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें आसानी से करवा सकते हैं। लाइफ साइकिल भी इसका थोड़ा होता है, तो एक साल में अपने दो से तीन जनरेशन इसकी ले सकते हैं, तो अपने को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। इसके साथ में मेंडल मैथमेटिशियन थे, तो जो अपने न्यूमेरिकल बेसिस था उन्होंने अपने प्रयोग को प्रेजेंट कर दिया, वो भी उसके लिए आसान रहा। और एक यही वजह रही क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट है उसमें साइंटिस्ट मानते नहीं थे, क्योंकि वो बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह देखते थे, उसमें मैथमेटिक्स के इन्वॉल्व वो उसको ढंग से नहीं देखते थे। यही कारण था कि मेंडल के नियम ज़्यादा उसमें चर्चा में नहीं आ पाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्लास में आगे सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।